अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद शकील, आपके अपने चैनल पे वेलकम बैक करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी चूंकि आप पेपर जो है देकर फ्री हुए हैं, आपको रिजल्ट जानना होगा कि रिजल्ट किस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि इस बार के जो पेपर हुए हैं वो सिर्फ आपके तीन सब्जेक्ट्स का हो, तो पहली बार हो रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने जो है सिर्फ तीन पेपर दिए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ICS ग्रुप के बारे में, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मैंने ये अंदाज़ा किया है कि मेरे चैनल के ऊपर जो है ICS के स्टूडेंट जो है ज़्यादा हैं, यानी कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है उन्होंने केमिस्ट्री की जगह पे, और मैथ के भी लेक्चर लेते हैं, फिजिक्स के लेक्चर भी लेते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, तो इस लिहाज से जो है आज हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट के अगर मार्क्स आपने हासिल किए हैं तो इनके बिना पर आपको लाजमी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए जो है हमें कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ 11th क्लास के लिए करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। सपोज करते हैं हम मार्क्स जो है हमारे पास केमिस्ट्री फिजिक्स में आए हैं 65, कंप्यूटर में आते हैं हमारे पास ये भी 65 कर लेते हैं, और मैथमेटिक्स में जो है बच्चे ने 90 मार्क्स ले, ये सपोज कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने एक हायर लेवल के ऊपर भी रिजल्ट बनाया था, अब जो है दरमियाने लेवल का भी एक रिजल्ट बना लेते हैं। तो इतने मार्क्स लेने के बाद जो है आपके बाकी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी, पाक स्टडी जो है 11th में नहीं है, सिर्फ इस्लामिक स्टडी है, तो कितने आप बनेंगे मार्क्स ये देखते देखिए भाई, जो आपने हासिल किए हैं वही आपके मार्क्स जो है टोटल में आएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है इसी तरह से बनेगा, तो टोटल में जो है यही आएंगे। अब इनका जो है गेन मार्क्स ले लेते हैं हम, कितने हासिल किए देखें, 65 प्लस 65 प्लस 90, तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 65 प्लस 65 कितने होते हैं हमारे पास, 130 प्लस 90, तो हो जाएंगे हमारे पास 210, ठीक है, कितने हो जाएंगे 210, 220 हो जाएंगे, तो 20 मार्क्स जो है आपने गेन किए हैं। टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं ये गेन, यहाँ पर हमारे पास 85 होंगे, कंप्यूटर के मार्क्स जो है टोटल होते हैं 75, यहाँ पर होंगे 100, टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 85 प्लस 5 प्लस, यहाँ पर टोटल है हमारे पास 260। तो 260 इनके जो है रेशियो निकालो आप, रेशियो या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या रेशो दोनों ही हो सकते हैं, 220 डिवाइडेड बाई आपके पास 260 आएगा, या जिसको परसेंटेज भी कह सकते हैं, तो हमारे पास आता है 0 से 0 खत्म, 22 डिवाइडेड बाई हमारे पास 26 आता है, ये रेशो आ रहा है हमारे पास 0.84615, ऐसे इट समथिंग है, ठीक है। आगे अब इसी रेशो को जो है आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे जो है इंग्लिश उर्दू के मार्क्स के साथ, तो इंग्लिश में जो है 100 होते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करोगे 0.84615, तो हमारे पास मार्क्स जो आएंगे वो आएंगे 84.615। इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करने पर जो है पॉइंट के बाद देखा जाएगा आपके 5 मार्क्स से अबव है या कम है, ये 6 जो है 5 से अबव बनता है, का मतलब है 85 हो, तो यहाँ पर हमारे पास 85 आने। लेकिन एक और एडवांटेज है हमारे पास, क्या आपको जो है ग्रेस मार्क्स मिल 5% एक्स्ट्रा, तो इस 85 के अंदर 5% डालेंगे इसी 85, 5% का मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5%, 5% निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करेंगे इस परसेंटेज को हटाकर बट्टे में डिवाइडेड बाई 100 करें, तो फिर आपका रिजल्ट जो है बनेगा 5 × 5 / 100, तो हमारे पास आ जाता है रिजल्ट 44.25। अब पॉइंट के बाद 2 है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे 4, यहाँ पर हम 4 ऐड कर देते हैं, कितने बन जाएंगे हमारे पास इंग्लिश में बन जाएंगे 89 मार्क्स, इसी तरह से उर्दू में भी 89 आएंगे, कि ये भी 100 मार्क्स का होता है, यहाँ पर भी हम वही मार्क्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है।
अगर सपोज करें हमारे पास अब जो है यहाँ पर उर्दू एक जो हमारे पास क्या है इस्लामिक स्टडी है फर्स्ट ईयर में, वो होता है 50 मार्क्स का, तो इस रेशो को जो है 50 के साथ मल्टीप्लाई, तो जो है हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 0.84615, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 42.3075। अब इसको हम जो है राउंड ऑफ करें तो हमारे पास बनेगा 42 के पॉइंट के बाद जो है वो 3 है, तो ये 42 ही रहेगा, यहाँ पर आना चाहिए 42, लेकिन प्लस करेंगे क्या का 5%, तो 5% दोबारा से 5% ले, 5% के लिए आप जो है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 42 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हमारे पास देगा आंसर 0.1। इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 2 आता है, तो इसमें 2 मार्क्स ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे टोटल 44, यही आपके 44 आएंगे, ओ सॉरी। तो इसको हम देख सकते हैं टोटल मार्क्स जो है 11th में कितने आएंगे हमारे, तो हम इन सब को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास आता है 65 प्लस 65 प्लस 90 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 44, तो हमारे पास मार्क्स बन रहे हैं 442। आउट ऑफ कितने होंगे ICS के लिए आपके पास टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 85 प्लस 75 प्लस 8 प्लस 8, डेढ़ को मल्टीपल 10 50, हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं 510। ये जो है हमारे पास 510 मार्क्स होंगे आपके टोटल, और आपने हासिल किए होंगे 442 मार्क्स, तो ये अच्छे हैं, क्योंकि आप देखें आप फिजिक्स में भी आप अगर लूज कर रहे हैं 20 मार्क्स और कंप्यूटर में 10 मार्क्स लूज कर रहे हैं, एक मैथमेटिक्स में भी 10 मार्क्स लूज कर रहे हैं, फिर भी आपके 442 मार्क्स बनते हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस इसके लिहाज से था कि आप जो है 3 पेपर देने के बाद जो है अपने मार्क्स इतने अच्छे सिक्योर कर सकते। अगर यहाँ पर हमारे पास 80 और 70 से अबव हों, फिर तो क्या बात है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी 5 के पूरे मिलेंगे, जबकि आपके इंग्लिश उर्दू में भी 90 से अबव हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, बाकी जो है इंशाल्लाह हम आगे भी आपको गाइड करते रहेंगे, अगर हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना होगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज को बताएं रिजल्ट इस तरह से बनेगा, अपने हर एक दोस्त को बताएं जो भी आपके साथ होता है, उनको शेयर करें कि हमारा रिजल्ट जो है इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप एस्टीमेट कर लें अपने कितने मार्क्स बन। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।